हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डीएस, आज मैं आप लोगों के लिए आपकी फेवरेट भर्ती के ऊपर बात करने वाला हूं। और डीएस, आप लोगों का हुआ इंतज़ार ख़त्म। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आवेदन करें। तो दोस्तों, आज मैं दिल्ली मेट्रो यानी कि DMRC की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ पोस्टें हैं जिन पर आप लोग देखना चाहेंगे। और दोस्तों, आई होप कि ये पूरे विवरण आप पूरा अंत तक वीडियो देखेंगे और आप इसमें आवेदन करने का प्रोसेसर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग आवेदन करेंगे और ये दिल्ली मेट्रो पे किस पोस्टों पे आवेदन होने वाली है और किस लेवल की भर्ती है। तो माय डियर्स, मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने पहले भी कहा था, मैं जो भी भर्ती दिखाता हूँ पूरे प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। तो मैं आज इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए DMRC की वेबसाइट आप अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो इसका लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहाँ से भी पता कर सकते हैं। तो डियर्स, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको DMRC के बारे में सूचना दूँ। मैं कई ऐसी ढेर सारी कंपनियां हैं और ढेर सारी गवर्नमेंट संस्था, अलग अलग गवर्नमेंट से अलग अलग भर्तियां निकल के सामने आ रही है। तो रोज़ मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, हर एक नई के साथ शुरुआत करता रहूँगा। तो दोस्तों, लीजिए बिना समय गवाए आज की भर्ती के ऊपर हम बात करते हैं। मेन टॉपिक अपना DMRC है और दिल्ली मेट्रो में भर्ती निकल चुकी है वो, जिस पे आप लोग आवेदन करेंगे। तो आवेदन करने के लिए दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते ही आपको यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन दिखेगा। आप किसी भी वेबसाइट पे देखते हैं तो वो कैरियर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, जिससे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा और इसकी सूचना दी हुई है कि आप किसी भी अभेद और फर्जी ऑफिशियली सावधान रहें। इन चीज़ों से आपको सूचना दी गई है इसके नोटिफिकेशन के जरिए और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन कल 25 नवंबर को जारी हुआ था और ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ये लिंक है। ये 1, 2, 3, 4 पोस्टें, 4 लेवल हैं, चारों पे आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पहले लेवल की पोस्टों के बारे में विवरण कर लेते हैं। आप कैसे योग्य हैं, क्या आवेदन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्या क्वालिफिकेशन है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर पता कर लेते हैं। जैसे कि हमने इस पर पहले हमने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया था, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं से आपको आवेदन प्रक्रिया शुरू करनी होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इसकी संख्या है नोटिफिकेशन संख्या और दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेट लिमिटेड और पोस्टों की संख्या। यहाँ पे मैनेजर की पोस्टें हैं, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट इसमें आवेदन करेंगे और इसमें करीबन जिनके पास वर्कर हैं, एक्सपीरियंस हैं, वही स्टूडेंट आवेदन करें, अन्यथा कोई स्टूडेंट आवेदन ना करें। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट इसमें आवेदन करें। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अभी तक इसमें कुछ पोस्ट पे भर्ती निकली हुई है जो एक्सपीरियंस लेवल से है, तो अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आवेदन करें, अन्यथा नहीं करें। आपकी इस सूचना को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट इस भर्ती को रियल भर्ती मान के लोगों यानी कि स्टूडेंटों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, ये स्टूडेंट लेवल की है, पर इसमें आप लोगों के पास एक्सपीरियंस जो रेलवे डिपार्टमेंट से एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस है, तो आप आवेदन करें, अन्यथा नहीं करें। और आई होप कि मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट के पास इसका एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इसमें साफ और क्लियर लिख रखा है कैंडिडेट वर्कर फ्रॉम रेलवे PSU। तो आप किसी भी रेलवे एम्प्लॉयमेंट या वर्कर हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी। आई होप कि 5 पोस्ट हैं, 5 पोस्टों के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा और क्वालिफिकेशन इसकी ग्रेजुएशन होगी, पर उसमें रेलवे एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। यानी कि आपकी भाषा में बोला जाए तो इसे कनेक्ट बेस पर, यानी कि किसी भी यानी कि किसी के स्थान पर किसी के द्वारा लगाई गई भर्ती के बारे में। तो माय डियर्स, ये था इसका विवरण और ये ऑफलाइन आवेदन होगा। ऑफलाइन ऐसे इसको दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेटर के दौरान आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का फॉर्म इसी के लिंक में इसकी PDF में ही दिया हुआ है। करीबन ऐसे 4 नोटिफिकेशन हैं जिनमें करीबन एक में 10 पोस्ट हैं, एक में 5 पोस्ट हैं और एक में करीबन 9 पोस्टों के आसपास हैं और एक में 11, 12 या 15, 20 ऐसी कुछ पोस्ट हैं। तो अलग अलग सब ऐसे ही क्वालिफिकेशन है, सभी में यही क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आवेदन करें, अन्यथा नहीं करें। तो माय डियर्स, ये था इसका विवरण। अपडेट करने के लिए मैं आपको बता दूँ, अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल भर्ती, बड़ी भर्ती अभी तक नहीं आई है।
और भर्ती, बड़ी भर्ती आने का चांस बढ़ चुके हैं। जनवरी के लास्ट वीक में पक्का आने के बढ़िया और सबसे अच्छे चांस बताए गए हैं। वहाँ के अधिकारी, एक स्टूडेंट, एक अभ्यर्थी था जिन्होंने मेरे पास कमेंट लिख के भेजा था कि वो खुद उसमें वर्कर हैं और उन्होंने ऐसा कहा है कि करीबन जनवरी के लास्ट वीक तक इसकी भर्ती आने के 100% चांस है। तो दोस्तों, इसकी भर्ती आने वाली है, आप तैयारी करें और आते ही आपको मैं सबसे पहले अपडेट करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर आप इसके लिए योग्य था आवेदन करें, अन्यथा ना करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।